जैसा कि विश्व टेनिस में चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, इंदौर जैसे शहर के लिए अब ये टूर्नामेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ के खिलाड़ी इन टूर्नामेंटों में शिरकत कर इंदौर का नाम ऊंचा कर रहे हैं। इंदौर में यदि टेनिस का माहौल बना है तो उसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, इंदौर टेनिस क्लब का उदय या निर्माण, और दूसरी वजह अनिल दुपड़, जो कि सचिव हैं मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के। मेरे पास एक बाल प्रतिभा बैठी है जिनका नाम है डेनिम यादव। 2 साल पहले वे विंबलडन खेलने गए थे, जो कि लंदन के पास एक गांव है और पूरी दुनिया में उसे ग्रास कोर्ट के लिए जाना जाता है। रोड टू विंबलडन उस टूर्नामेंट का नाम था, उसमें डेनिम यादव खेले और सेमीफाइनल तक पहुँचे। उनकी उम्र महज 15 साल है और उनका अगला प्रयास रोलां गैरा, जो कि फ्रेंच ओपन के रूप में प्रसिद्ध है, पेरिस में होता है, लाल माटी पर, वहाँ खेलने का है। वे उसे क्वालिफाई करने की कोशिश में है और निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। डेनिम यादव मेरे साथ हैं, मैं ग्लोबल टीवी की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आप बताइए कि टेनिस की ओर आप कैसे, आपने रुख किया, कैसे आप मुड़े? हाँ, जब मैं बचपन में 7 साल का था तब मेरे मम्मी पापा मुझे टेनिस खेलने जाते थे रेसिडेंसी क्लब में, और मेरा भाई भी टेनिस खेलता था। तो रोज़ पहले तो हम ऐसे ही खेलते थे, शौकिया तौर पर। हाँ, ऐसे ही शौकिया तौर पर। फिर इंदौर में एक दो टूर्नामेंट हुए तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने थोड़े टूर्नामेंट खेलना चालू किए और उनमें मैं जीतने लगा, जो इंदौर के क्लब लेवल टूर्नामेंट्स थे। फिर जो मेरे कोच थे उस वक्त, उनने बोला कि बाहर जाके टूर्नामेंट्स खेलिए तो ताकि मेरा टेनिस में कितना टैलेंट है वो पता चलेगा। तब आप रेसिडेंसी क्लब में खेल रहे थे? नहीं, जब टूर्नामेंट्स खेलना चालू किए तब मैं इंदौर टेनिस क्लब में था। अच्छा, तो आपके फादर उसके मेंबर हैं या आप केवल खिलाड़ी के रूप में वहाँ खेलते हैं? बस खिलाड़ी के रूप में। अच्छा, आपके पहले कोच कौन थे? पहले कोच इरफान अहमद। इरफान अहमद, जो कि अभी इंदौर टेनिस क्लब में। हाँ, फिर उसके बाद आपने कोच को बदला? हाँ, अभी मेरे कोच साजिद लोधी है, वो मुझे डेली कॉलेज और ITC दोनों क्लब में खिलाते हैं। अच्छा, आप कौन से स्कूल में बोलते हैं? मैं एडवांस एकेडमी। वहाँ टेनिस कोर्ट है? हाँ। अच्छा, वहाँ भी अभ्यास करते हैं आप? नहीं, वहाँ तो मैं कम जाता हूँ काफ़ी, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ डेली कॉलेज और ITC में, इसलिए। स्कूल में टेनिस का क्या माहौल है? स्कूल में तो कोई मिलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, स्कूल में तो जैसे इरफान अहमद सर हैं, हाँ, साजिद लोधी सर हैं, हाँ, उनकी जो कोचिंग देने का तरीका, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? मतलब इरफान सर तो छोटे लेवल पे सिखाते हैं, जैसे हाँ बेसिक जो छोटे बच्चों के लिए होता है। साजिद सर काफ़ी एडवांस लेवल पे सिखाते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी सिखाते हैं। एक मेरे साथ महक जैन है, वो भी इंटरनेशनल खेलती है, 3 बार की चैंपियन है, हाँ हाँ, ओपन में। अच्छा, महक के साथ खेलते हैं आप? हाँ, महक के साथ प्रैक्टिस करते हैं। गणेश यानिया? नहीं, उनके साथ नहीं। अच्छा, और किन लड़कियों के साथ आप अभ्यास करते हैं? लड़कियों में तो सिर्फ महक ही है और बाकी भी लड़कियां हैं, एक दो, राशि मालविया है और रिया ओबेजय, और बाकी लड़कों में नील गरुड़ है, अमन भावसार है। अच्छा, ये नील गरुड़ आपको डिफिकल्ट पड़ते हैं? हाँ, मतलब मेरे ऑलमोस्ट बराबर ही खेलता है वो। अच्छा, क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़े हैं। हाँ। अच्छा, आप विंबलडन गए? हाँ। जो हमारे देश में माहौल है, जाहिर है कि वहाँ बहुत अच्छा होगा, लेकिन यदि आप उसको, उसकी व्याख्या करने जाएंगे तो क्या कहेंगे? विंबलडन में जहाँ वहाँ का माहौल है वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ टेनिस में, मतलब सब लोग उधर टेनिस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लोकल स्पोर्ट्स एक तरह से उनका। हाँ, लोकल स्पोर्ट्स है, सब लोग टेनिस के रिस्पेक्ट काफ़ी करते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ सब लोग क्रिकेट को जानते हैं, वहाँ टेनिस को जानते हैं। आप इंडिया में भी ग्रास कोर्ट पर खेले आप? हाँ। कहाँ पर? दिल्ली में जब RTW के सिलेक्शन हुए थे तब जो सारे मैचेस थे वो ग्रास कोर्ट पे ही हुए थे। यहाँ के दिल्ली के ग्रास कोर्ट में और विंबलडन के ग्रास कोर्ट में क्या अंतर पाया? विंबलडन के जो ग्रास थी वो काफ़ी वेल मेंटेन थी और नेचुरल थी, और जो दिल्ली में जो ग्रास कोर्ट थे वो हमने पहली बार खेला था तो हमको ज़्यादा पता नहीं था, तो फिर जब, लेकिन हम विंबलडन गए तब काफ़ी अंतर लगा हमको। अच्छा, जब आप ग्रास कोर्ट पर खेलते हैं और हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं तो ग्रास कोर्ट पर स्पाइक स्पिन कर खेलते हैं आप? हाँ, वहाँ का शूज़ डिफरेंस होते हैं। अच्छा, अभी आप बहुत छोटे हैं, लेकिन कोई इंजरी हुई आपको? नहीं, अभी तक तो कोई इंजरी नहीं हुई। अच्छा, आप विंबलडन में किसी बड़े खिलाड़ी से मिले?
हाँ एंडी मरे से मिला था मैं, ब्रिटेन के जो। हाँ ब्रिटेन के। अच्छा, कुछ कन्वर्सेशन हुआ? कन्वर्सेशन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि हम काफ़ी ग्रुप में थे बच्चे, इसलिए बस फोटो खिंचाया उनने और फिर वो चले गए थे। अच्छा, रोड टू विंबलडन में आप किस एज ग्रुप में खेले और किस राउंड तक पहुंचे? मैं अंडर 14 एज ग्रुप में खेला था जब मैं 13 साल का था, और पहले वहाँ लीग मैचेस हुए थे जहाँ 3 राउंड जीतने थे, 3 में से 2 राउंड जीतने थे तो मैं जीत तीनों गया। राउंड जीता था, अच्छा, और फिर क्वालिफाई करके मैं नॉकआउट में आया था, फिर उसमें सेमीफाइनल में हारा। किन देशों के खिलाड़ियों के खिलाफ आप खेले? मैं पहला राउंड खेला था चाइना के खिलाड़ी से, फिर दूसरा राउंड हांगकांग वाले से, और तीसरा राउंड मैं जिससे हारा था वो लंदन का ही था। अच्छा, इन तीनों, दो देश हैं और एक शहर है ब्रिटेन का, इन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के बाद आपको कुछ अपने अपने में कमी पाई, टेक्निक में, स्टेमिना में? हाँ, जो एक तो मेन रीज़न था कि वो जो वहाँ का प्लेयर था वो ग्रास कोर्ट पे ही प्रैक्टिस करता था, इसलिए उसको काफ़ी खेलना आता था ग्रास कोर्ट पे, क्योंकि ग्रास कोर्ट पे काफ़ी अलग खेलते हैं। बाकी टेक्निक में तो सब सेम ही थे ऑलमोस्ट, काफ़ी अच्छा खेलते थे सब लोग। जैसे हम इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन से, इनके प्रति उन लोगों का भाव क्या रहता है? क्या वहाँ आपको इज्जत के, देते हैं वो? हाँ बिल्कुल, वो ऐसे किसी के बीच में ऐसे कोई ऊंचा बड़ा नहीं सोचता है। अब आप रोला गेरा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। अभी जो रोला गैरो है वो दिल्ली में एक टूर्नामेंट होगा अंडर 18 का, उसमें टॉप 8 के प्लेयर्स खेलेंगे इंडिया के, आप और उसमें शामिल हैं, हाँ टॉप 8 में, और जो फाइनलिस्ट रहेंगे वो क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई करेंगे रोला गैरो में। अच्छा, क्योंकि टेनिस में आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है, यात्रा का, ठहरने का, भोजन का, हर तरह का, तो मुझे अपने पापा का नाम बताएं और उनके बारे में बताएं। मेरे पापा का नाम पंकज यादव है, वो नायब तहसीलदार है अभी कलेक्ट्रेट में, वो दिन रात काम करते हैं मेरे लिए, और जो भी खर्चा है वो सब हमको ही उठाना पड़ता है क्योंकि आपको स्पॉन्सर नहीं मिलता? हाँ स्पॉन्सर नहीं मिलता। अभी एक स्पॉन्सर है मेरे पास बैबोलेट से, वो रैकेट देते हैं मुझे, टी शर्ट और शूज़ और शॉर्ट्स देते हैं, सब किट बैग वगैरह, मतलब पूरा जो टेनिस का किट है वो बैबोलेट से मुझे मिलता है। आपके परिवार में और कोई ऐसा सदस्य है, आपके भाई बहन जो खेलते हो? हाँ मेरा भाई खेलता है, बड़ा भाई यश यादव, और उन वो मेन रीज़न है जिनकी वजह से मैंने खेलना चालू किया था, वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं अभी मेंस में। यदि अब हम उसकी हिंदी में कहते हैं दिनचर्या, आपका जो डेली रूटीन है खेल को लेकर, पढ़ाई को लेकर, वो क्या है? खेल को मैं सुबह उठता हूँ और फिर 6 बजे से 8 बजे तक मैं टेनिस खेलता हूँ, फिर उसके बाद मैं 2 घंटा फिटनेस करता हूँ कोर्ट पर 8 से 10 बजे तक, और फिर मैं शाम को टेनिस खेलता हूँ 3 से 5 बजे तक, और फिर उसके बाद पढ़ाई करता हूँ। आपने नेशनल टाइटल कितने जीते हैं और नेशनल कहाँ जीते हैं? नेशनल मैंने अभी तक 5 टाइटल जीते हैं, और वो जीते हैं एक पहला पंचगनी में, और दूसरा मुंबई में, एक पुणे में, एक दिल्ली में, और एक दिल्ली में, और एक चलिए, इंदौर में जीतने की ख्वाहिश होगी आपकी, हाँ उसको कितने दिन में साकार करने की कोशिश है? इंदौर में जीतने चलो मुझे की, बता, स्टेट लेवल पर कितने टाइटल जीते आपने? स्टेट लेवल पे तो काफ़ी टाइटल जीते हैं फिर भी मैंने, कम से कम 10। 10 टाइटल। और जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो? डिस्ट्रिक्ट में
डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने काफ़ी खेला नहीं है, स्टेट लेवल ही खेला है डायरेक्ट। अच्छा, टेनिस में कैश प्राइज मिलता है। हाँ, आपने पहला कैश प्राइज कब जीता था? पहला स्टेट लेवल पे ही जीता था मैंने। कितना? तब था 3,000, 3,000 रुपये। उस अमाउंट का आपने क्या किया? उस अमाउंट का मैंने संभाल के रखा था, फिर उससे एक नया रैकेट खरीदा था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने, चूँकि आपने 5 नेशनल टाइटल जीते हैं तो जीता का इनाम मम्मी या पापा को दिया? हाँ, काफ़ी दिया है मैंने, मतलब जो नेशनल के जितने भी टाइटल है वो सब मम्मी पापा को ही दिया मैंने। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में टेनिस के क्या मायने? टेनिस के बहुत मायने हैं, मतलब अभी तो मेरा पूरा फोकस टेनिस पे ही है। टेनिस आपकी ज़िंदगी है? हाँ, टेनिस अभी मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? मेरा पसंदीदा खिलाड़ी एंडी मरे। एंडी मरे, क्या वजह है उसकी? वो क्योंकि मैं उससे मिला हूँ, मुझे उनका माइंडसेट काफ़ी अच्छा लगा, उनसे बात करके थोड़ी बहुत भी बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। वो जैसा खेलते उनको खेलते हुए भी देखा था। आप राइट हैंडर हैं? हाँ, राइट हैंडर। आपका स्ट्रेंथ क्या है? मेरा स्ट्रेंथ तो फोरहैंड। वीकनेस तो वैसे कह सकते हैं बैकहैंड है, पर अभी काफ़ी वर्क किया है हमने बैकहैंड पे, बैकहैंड भी काफ़ी अच्छा हो गया है। हाँ, साजिद सर ने। अच्छा, डैनी यादव के आदरणीय पिता पंकज यादव जी मेरे पास बैठे हैं। यदि मैं कहूँ यादव खानदान के खून में ही खेल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आदरणीय के पिता श्री हॉकी खिलाड़ी थे। यादव साहब खुद हॉकी और फुटबॉल के खिलाड़ी रहे, जबकि इनके भाई बंधु बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे, जैसा कि इनके दोनों पुत्र लॉन टेनिस खेलते हैं। हाँ, यादव साहब, आप कलेक्टोरेट में नायब तहसीलदार हैं, बहुत ज़्यादा आय नहीं होगी आपकी, तो आपके दोनों पुत्र टेनिस खेल रहे हैं, जिसमें कि यदि खिलाड़ी को इंदौर से छोटा सा शहर भोपाल भी जाना है या दिल्ली जाना है, आपके पुत्र तो विंबलडन और फ्रेंच ओपन जा रहे हैं, तो आप ये सब इंतज़ाम कैसे कर पाते हैं? क्या कोई प्रायोजक मिलता है आपको? सर, कुछ तो फ्रेंड सर्कल है और कुछ हमारे कलेक्टर साहब वगैरह जो हमारे अधिकारी डिपार्टमेंटल हैं वो भी करते हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग करते हैं, प्लस फादर की खेती वगैरह है। अच्छा, पुरानी मतलब भगवान की कृपा है कुल मिलाकर। हाँ, तो खेती वगैरह है तो फादर से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अच्छा, उसके बगैर तो सर संभव नहीं है। अच्छा, आप खेलों के बहुत अच्छे जानकार हैं, आपको अपनी खेल उपलब्धि के कारण किसी सरकारी संस्थान में खेल अधिकारी बनने का अवसर भी मिला था, लेकिन आपने उसको स्वीकार नहीं किया। चूँकि मैं ये कहना चाहता हूँ, आप खेल विशेषज्ञ, तो आपको ऐसा लगता है डेनिम में क्या दिखता है और कि आप कितने सालों में कुछ खास कर पाएंगे? सर, अभी डेनिम को छोटे लेवल पे इसने काफ़ी नाम कमाया है, जबकि मैंने हमेशा अपने बड़े बेटा पे ध्यान दिया है। हालांकि उसने मुझे निराश नहीं किया है, वो भी नेशनल चैम्पियन रहा है और इंडिया यूथ टीम से वो ऑस्ट्रेलिया गया था, और उसके बाद में फिर काफ़ी वो भी अभी मेंस में भी अच्छा कर रहा है, अभी वो डेविस कप के कैंप में भी था डबल्स के। और डेनिम, सर डेनिम में क्वालिटी ये है कि ये इसका डिवोशन बहुत है और मेंटली बहुत टफ है, मतलब इसको अगर कोच एक चीज़ समझा देता है तो दूसरी बार समझाने की ज़रूरत नहीं, कैच बहुत जल्दी करता है, और हाँ मेंटली मतलब एक टफनेस बहुत है। और सर, जो जितना टफ रहेगा मेंटली, मेहनत सभी कर रहे हैं लेकिन गॉड गिफ्टेड है ये कि एक बार आपने इसको कोई सी चीज़ बता दी है तो आपको दूसरी बार बताना नहीं पड़ेगा। वो ये केवल 15 साल के हैं, उन्होंने मेंस टाइटल भी जीता है। सर, मेंस में सर ये अभी पिछले साल एमपी रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था, जो कि अलग अलग एज वाइज होता है, अंडर 17 होता है, अंडर 14 होता है और मेंस होता है, तो उसमें इनके कोच साहब का कहना था मिस्टर साजिद लोधी का कि आपको मेंस खेलना और मेंस का टाइटल मारना है। ये साजिद सर की अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए इसने मेंस टाइटल मारा, मतलब इतनी छोटी एज में मेंस एमपी रैंकिंग का चैम्पियन होना, मेंस का पहला प्लेयर है जो ये कि 14 साल कुछ महीने में एमपी रैंकिंग मेंस टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो साहब एक आखिरी प्रश्न, आप पिता हैं और खेलों को जानते हैं, आप अपनी सोच के हिसाब से डेनिम को क्या गाइड करते हैं? सर, मैं यही करता हूं कि सुबह ये 5 बजे उठ जाता है, इसके साथ में 5 बजे मैं भी उठ जाता हूं और इसको लेके जाता हूं डेली कॉलेज लेके जाता हूँ, और जब मैं नहीं जाता हूँ तो मेरी वाइफ जाती है। मेरी वाइफ भी टेनिस खेलती थी, मैं हॉकी प्लेयर रहा हूँ, फुटबॉल प्लेयर रहा हूँ, कुछ बास्केटबॉल भी खेलता था, और पूरी फैमिली सर स्पोर्ट्स की फैमिली है। दादाजी मेरे इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, अंकल मेरे खुद हॉकी के NIS कोच हैं डेली कॉलेज में। हाँ जी, सभी मतलब मेरे ब्रदर वगैरह हम लोग सब स्पोर्ट्स कोटे से सर हम लोगों को मिला है,
तो इसलिए मैं भी अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग अपने खिलाड़ी कोई भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना नहीं चाहता है, सभी इंजीनियर और कुछ कुछ बनाना चाहते हैं, बट मुझे स्पोर्ट्स में मिला है क्योंकि मुझे नौकरी मिली है जिससे मेरा घर चलता है, स्पोर्ट्स कोटे में ही लगा हूँ। इसीलिए मेरी भी इच्छा है कि दोनों बच्चे ने मेरे इंडिया कलर लगाया है, और जब बच्चे सर इंडिया का ब्लेजर पहनते हैं लगा हुआ मोनो, तो सर एक भावुकता से गर्व से आंखों में आंसू आते हैं सर, और वही इच्छा है कि देश के लिए खेलें बच्चे और अपने परिवार का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें सर। आपने अगले 5 साल के लिए क्या गोल सेट कर रखा है? अगले 5 साल में मुझे ATP रैंकिंग पॉइंट्स बनाने, जो काफ़ी टफ होता है एक नए प्लेयर के लिए मेंस में आने के लिए। काफ़ी प्लेयर ट्रैवल करते हैं ATP पॉइंट्स के लिए, मतलब 10-10 साल तक उनसे एक पॉइंट भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 5'7" 5'8" वेट 64 उसके अकॉर्डिंग रखते हैं आप? हाँ। आपका डाइट क्या रहता है? डाइट में मेरा एक डाइट प्लान है डाइटिशियन में, जो साजिद सर ने प्रोवाइड करवाया है, तो उनके हिसाब से ही मैं पूरा चलता हूँ। क्या क्या चलता है आपको बताइए ना। जैसे सुबह खेलने से पहले मैं ओट्स और म्यूसली खा के जाता हूँ, फिर खेलने के बाद प्रोटीन खाता हूँ। प्रोटीन के रूप में? हाँ, प्रोटीन और वे प्रोटीन। वे प्रोटीन? अच्छा। हाँ, उस सर ने बताया कि ये वाला प्रोटीन एक स्कूप लेना खेलने के बाद, और फिर लंच में मैं ब्राउन राइस और सब्जी खाता हूँ, नॉर्मल जैसे खाते हैं, नॉर्मल राइस की जगह ब्राउन राइस, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, और फिर शाम को खेलने के बाद भी सेम। अच्छा, मतलब आप वेजिटेरियन हैं? नहीं, चिकन भी खाता हूँ मैं। कितने दिन में एक बार? वीक में 4-5 बार। अच्छा ठीक है डेनिम, आप आए यहाँ हमसे बात की, मैं आपको फ्रेंच ओपन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।